हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाइसरॉयज ऑफ इंडिया को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग मिलिटेंट एज वेल एज डिप्लोमेटिक किस तरीके से रिवॉल्यूशन आया है या किस तरीके से हम लोगों ने मिलिटेंटली और डिप्लोमेटिकली किस तरीके से इंडिया को लीड किया है या रिवॉल्यूशनाइज किया है उस बारे में हम लोग देखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला काकोरी कांड। ये काकोरी कांड क्या है, ये डेट इसकी समझ लेते हैं। अगस्त 9, 1925 को काकोरी कांड होता है। ये काकोरी कांड था क्या, ये काकोरी कांड ये था कि एक ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ पे के रूट पे, एक ट्रेन जा रही थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें काफी पैसा असर रखा था, जिसको जो है काकोरी कांड यानी कि काकोरी में लूट लिया गया, पैसे वैसे लूट लिए गए, और मतलब जो रिवॉल्यूशनरी थे, मिलिटेंट रिवॉल्यूशनरीज थे, वो पैसे वैसे लूट के भाग गए। इसमें ये जो कॉन्स्पिरेसी प्लान करने के लिए इन चारों लोगों को, इन चार रिवॉल्यूशनरीज को पकड़ा गया और इन लोगों को बाद में इन जेलों में फांसी दे दी गई। तो आइए करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं। राम प्रसाद मिसपिल को गोरखपुर जेल, ये जेल में फांसी दे रही है सर, ये क्यों बताने का, ये कई बार स्टेट पीसीएस कई एग्जाम्स में ये पूछ चुका है, ठीक है, ये कि किस जेल में या ऐसे पूछ ले, मतलब दे देता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी हुई थी, ठीक है, तो इस तरीके से ये कई बार पूछे इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी दिसंबर 1927 को, ठीक है, ये दिसंबर 1927 आप इनके लिए याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल के लिए, अशफाक उल्ला खान के लिए और ठाकुर रोशन सिंह के लिए। देखिए जो है जेल अलग अलग है बट तारीख एक है, ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी, उसी तरीके से अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद के जेल में फांसी दे दी गई ऑन द सेम डेट दिसंबर 1927, और ठाकुर रोशन सिंह को भी मलाका जेल जो कि इस समय इलाहाबाद में है ना, यहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, मलाका जेल में फांसी दे दी गई वही दिसंबर 1927 को। ये राजेंद्र लहरी जो है इनको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी और ये इनको दो दिन पहले ही यानी कि दिसंबर 17, 1927 को इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं असैसिनेशन ऑफ सैंडर्स। ये असैसिनेशन ऑफ सैंडर्स यानी कि ये इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं साइमन कमीशन क्या है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था 1928, तो उसका जो है बहुत विरोध हो रहा था। ऐसा ही एक विरोध लाहौर में हो रहा था जहां पे ये जो साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, और 1928 में ही ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन कमीशन को भगाने का, या मतलब एक तरीके से उसका विरोध किया जा रहा था, उसी में उसी प्रोटेस्ट के दौरान ये सैंडर्स जो है, एक पुलिस अधिकारी रहता है सैंडर्स जो है, लाला लाजपत राय के सर पे काफी लाठीचार्ज हो जाता है और काफी लाला लाजपत राय के सर पे काफी चोट आती है, जिसके वजह से वो कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उस वही लाठीचार्ज की वजह से। तो इस चीज से भगत सिंह और ये शिवराम राजगुरु ये लोग काफी खफा हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि 1928 में ही इसी ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स को ये गोली मार देते हैं, गोली मार के इनकी हत्या कर देते हैं सैंडर्स की, ठीक है। तो ये आगे लोग बढ़ते हैं, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बम फेंक देते हैं ये लोग, कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं अप्रैल 8, ये इसको लिख दीजिए आप अप्रैल 8, 1929। इन लोग का ऐसा कहना था या ऐसा मानना था कि जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो ऊंचा सुनती है, तो इनका ये कहना था जब इतना ही ज्यादा ऊंचा सुनती है तो सीधे इन्होंने बम ही फेंक दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया इन्होंने। ये बड़ी वैसा कोई बम नहीं था, मतलब कोई जानलेवा बम नहीं था इसमें, बस धुआं और जो है ये सब चीजें थी जिसकी वजह से किसी को चोट उठ नहीं आई। इनका मेन मकसद ये था कि इनकी आवाज को सुना जाए, इनकी आवाज को दबाया ना जाए, इनकी आवाज को सुना जाए, और बम फेंकने के बाद अप्रैल 8, 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े होके सरेंडर कर देते, चाहते तो भाग सकते थे बट वो वहां सरेंडर कर देते, ठीक है। सरेंडर करने के बाद इन पे जो केस चलाया जाता है वो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का नहीं होता, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी कि असैसिनेशन ऑफ सैंडर्स का केस चलाया जाता है इन लोग के ऊपर। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पे ट्रायल किया जाता है इनको सैंडर्स के केस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जतिन दास डाइड ऑफ हंगर स्ट्राइक फॉर 64 डेज। ये जतिन दास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रिवॉल्यूशनरिस्ट रहे, जिन्होंने जेल में जो है भूख हड़ताल की थी, किस तरीके से जो है जो भारतीय मतलब ये जो होते थे मतलब ऑफेंडर्स होते थे और जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स होते थे उनको जेल में तो एक ही रखा जाता था, बाकी जो है जो ब्रिटिश
ऑफेंडर्स होते थे जो मतलब केस में आए रहते थे, उनको ज्यादा सुख सुविधाएं और बढ़िया खाना और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और ये सब ज्यादा मुहैया कराई जाती थी चीजें, जो कि इंडियंस को नहीं मिलती थी जेलों के अंदर, जिसके लिए स्ट्राइक, ये हंगर स्ट्राइक किया भूख हड़ताल की मतलब वहां पे वहां के कैदियों ने, और जतिन दास 64 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार स्टेट केसेस में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे जिनकी 64 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद मौत हो जाती है, तो दैट इज जतन सिंह सॉरी जतन दास। आगे बढ़ते हैं, असासिनेशन चंद्रशेखर आजाद इन अल्फर्ड नंबर पाल इलाहाबाद, ये आप सबको मालूम होगा, ये असासिनेशन हो जाता है, इन्हीं का एक कोई दोस्त रहता है चाहे खबरी रहता है जो है अल्फर्ड नंबर पाल में ये मिलने आ रहते हैं किसी से, वो मुखबिरी हो जाती है और इनको वहां पे असासिनेशन कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक गोली बचा के रखी थी जो उन्होंने अपने आप को ही मार ली, इसीलिए इनके नाम में हमेशा आजाद, क्योंकि ये ना कभी पकड़े गए, ना ब्रिटिश कभी इनको पकड़ पाए, ना कभी जिंदगी में इनको पकड़ नहीं पाई, ये मतलब मौत पे भी आते हुए थे, इन्होंने अपने आप को खुद ही गोली मार ली थी। तो ये इनका असैसिनेशन हुआ था February 27, 1931, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, February 27, 1931, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, यही भगत सिंह को जो लाहौर केस कॉन्स्पिरेसी केस के लिए जो है ट्रायल मोड पे लाया गया था, उनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी जाती है March 24, 1931। तो यानी कि 1931 में ही दो बड़े लीडर्स या मतलब जो है बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स थे या एक तरीके से रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, उनकी कैपिटल पनिशमेंट देके या एक तरीके से मौत के घाट को इन लोग को उतार दिया जाता है या शहीद का एक तरीके से दर्जा दिया, मतलब हम लोग इनको शहीद मानते हैं, ठीक है। इनको वैसे अगर देखा जाए तो कैपिटल पनिशमेंट एक तरीके से क्राइम के तरीके से इन लोगों ने क्रिमिनलाइज करके इनको कैपिटल पनिशमेंट दी है ब्रिटिशर्स ने, बट हम इनको आज भी अपना आइडल मानते हैं, एक तरीके से शहीद मानते हैं इन लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिटगांव आर्मरी रेड, ये कहा, ये चिटगांव एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में एक जगह पड़ती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तो ये सूर्य सेन इनको मास्टर दाबी कहा जाता था, दोबारा मैं बोलता हूँ, सूर्य सेन जिनको मास्टर दाबी कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछ चुका है कि सूर्य सेन को मतलब या निक नेम क्या था उनका या ओरिजिनल नेम क्या था, मास्टर दा कहकर ओरिजिनल नेम पूछ ले या सूर्य सेन देके मास्टर दा पूछ ले, तो सूर्य सेन जिनको मास्टर दा कहा जाता था, इन्होंने ही चिटगांव आर्मरी रेड एक तरीके से कराई, जो कि पुलिस और ऑक्सिलरी फोर्सेस के शस्त्रागार लूटने के अटेम्प्ट में थी, जो पूरी नहीं हो पाई सही से, बट जो है वहां के जो तार टेलीग्राफ के तार वार थे वो इन लोगों ने डिसरप्ट कर दिए, जिसके वजह से 1933 में इनको पकड़ा गया और 1934 में पे केस वेस चला के इनको भी फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट हम लोग पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट क्या था कि प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू, ये कंफ्यूजन कई बार होती है लोगों के दिमाग में कि नेहरू रिपोर्ट है जवाहरलाल नेहरू मार के चले आते हैं, बट निकलता वो मोतीलाल है ना, तो नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट में था क्या किरदार, तो ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी इंडिया के लिए, डोमिनियन स्टेटस सेमी इंडिपेंडेंट, यानी कि कुछ जो फॉरेन अफेयर्स रहते थे या डिफेंस का जो रहता था वो दूसरी कंट्री या जो इन्वेडर कंट्री थी वो देखती थी, बाकी सारा मसला इन लोग के, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया गया था अंडर दी नेहरू रिपोर्ट, बट इसी रिपोर्ट को एक तरीके से खारिज करते हुए 1929 जो है लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी, और 26 जनवरी 1930 से ये कहने लगे कि यहां से हम लोग हमेशा रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आजाद हिंद फौज, ये काफी एक तरीके से फाउंडर इनके काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कई आपको नाम मिलेंगे, मोहन सिंह मिलेंगे, राज बिहारी घोष मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, तो इसमें करेक्ट क्या है, एक तरीके से ऐसे देखा जाए तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तो जो जापान था वो काफी एडवांस कर चुका था, साउथ ईस्ट एशिया में काफी उसकी कैप्चरिंग हो चुकी थी, और जब उसने यानी कि इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान ने जब ये 1942 में सिंगापुर को कब्जाया, तो वहां पे 45,000 इंडियन ट्रूप्स वहां पे वॉर एज अ वॉर क्रिमिनल या एक तरीके से वॉर के जो वो होते हैं सैनिक जो पकड़े जाते हैं उस तरीके से 45,000 सोल्जर्स पकड़े गए। फिर उन्होंने जापान ने एक तरीके से ये थ्योरी निकाली, ये आइडिया निकाला कि इन्हीं का यूज करके ब्रिटिशर्स से क्यों ना लड़ा जाए, तो उसी समय
45,000 सोल्जर जो इंडियन नेशनल आर्मी, या एक तरीके से कई लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया कि हम इंडियन नेशनल आर्मी का साथ देना चाहते हैं, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेगी, जो कि मनचाती जापानियों की, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो पहली इंडियन नेशनल आर्मी बनी वो मोहन सिंह, ये कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मोहन सिंह ने बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी को, बाद में उसके बाद से कमान संभाली राज बिहारी घोष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फाउंडेड बाय मोहन सिंह इन द ईयर 1942, आजाद हिंद फौज 1942 में मोहन सिंह ने बनाया। फिर नेताजी टू कंट्रोल ऑफ आजाद हिंद फौज फ्रॉम सिंगापुर 1944 में, ये नेताजी उसके बाद से बाद में संभाल लेते हैं आजाद हिंद फौज को। आगे लोग बढ़ते हैं तो नेताजी ने एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये एक लेफ्ट विंग पार्टी थी जो 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, लेफ्ट विंग पार्टी थी ये। इसमें ये क्या हुआ था, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 1939 में आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हम लोग लेक्चर जब कर रहे थे, सेशंस कर रहे थे, तो 1939 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें त्रिपुरी में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 1939 का सेशन हुआ था त्रिपुरी में, जिसमें जो इलेक्शन में पट्टा भाई सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, और सुभाष चंद्र बोस उसमें विक्टोरियस जीत जाते हैं 1939 में, और जीतने के बाद वो रिजाइन देते हैं, जिसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अध्यक्षता देखी जाती है कि 1939 में ही राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट पोस्ट स्वीकार करते हैं 1939 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 1939 में जो आजाद सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था त्रिपुरी सेशन से 1939 में ये इलेक्शन जीतने के बाद पट्टा भाई सीतारमैया को हराने के बाद रिजाइन दे देते हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर ये पूरा एक तरीके से अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।